अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स। जनाब, रोटी सॉफ्ट बनाने के लिए आटे का सही गूंदना इंतहाई ज़रूरी है। आज इंशाल्लाह हम आटा गूंदने का सही तरीका सीखेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड के ज़रिए आटा सही गूंदने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले 750 ग्राम हमने आटा लिया है। नॉर्मली हम अपने घरों में ग्राम वगैरह नहीं बल्कि कप की पैमाइश रखते हैं, तो मैंने दो मग इसमें आटा इस्तेमाल किया जो अराउंड 750 ग्राम होता है। मैंने दो टेबल स्पून नमक शामिल कर लिया, आप अपने हिसाब से जायका लीजिए। इसमें टिप ये है कि नमक अगर आपका कम होगा तो रोटी फीकी होगी, नमक ज़्यादा होगा तो रोटी कड़वी होगी, तो इसका अंदाज़ा सही होना चाहिए। क्वार्टर कप हमने पानी इसमें डाला। इसमें अगेन टिप ये है कि पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, वरना आपका जो है ना ये आटा ये पेस्ट बनना शुरू हो जाएगा, और अगर आप हल्का सा नीम गर्म पानी लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उंगलियों से हम इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से क्वार्टर कप पानी इसमें हम शामिल करेंगे और आटे को हम उंगलियों से और अपनी हथेली से मिक्स करते चले जाएंगे। इसमें बस दो चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना आटा गूंदने में। माशाल्लाह से जो हमारी ख़वातीन हैं, जो हमारे भाई हैं, आटा गूंदते हुए अरसा हो गया, वो तो यूज़ टू हैं, लेकिन जो हमारे नए बच्चे हैं, न्यू जनरेशन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सिंगल मॉम्स हैं जो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही हैं, तो उनके लिए आटा गूंद के ये फ्रिज कर देना ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए जनाब, अब दोबारा से इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, तकरीबन 4 टेबल स्पून, और जो नीचे हमारे बॉटम में तसले में या पोट में जो आटा लगा हुआ है उसको हम रिमूव करेंगे। ये लीजिए जनाब, हमने रिमूव करके उसको ऊपर रख लिया। फिर थोड़ा सा इसमें हम पानी 4 टेबल स्पून शामिल करेंगे, और मज़ीद जो नीचे हमारा आटा लगा हुआ है बॉटम में उसको हम रिमूव करेंगे, और उसको भी उंगलियों की मदद से इस तरह आटे को हम मिक्स करते चले जाएंगे पानी में। और ये लीजिए हमारा जनाब, ये हो गया तैयार। अब इसको हम गूंदना शुरू करेंगे। पहले हम अपनी हथेली की मदद से इसको मिक्स करते चले जाएंगे, गूंदते चले जाएंगे आटे को। क्या कहते हैं वो सासे हमारी, इन लॉज हमारे सोसाइटी में अपनी बहुओं को, कि आटा गूंदती हिलती क्यों है। तो भाई हिलना तो पड़ेगा ना, ठीक है। उम्मीद है आप नहीं करती होंगी अपनी बहुओं के साथ, उनको अपनी बेटियों की तरह रखती होंगी। जनाब, इसमें मज़ीद 3 टेबल स्पून हमने पानी का शामिल किया, और बॉटम को इसको हमने क्लियर किया। ले लीजिए जनाब, फिर हम और बॉटम इसका क्लियर करते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा और पानी लेंगे, अराउंड 3 टेबल स्पून, और हम फिर इसका बॉटम क्लियर करेंगे। उसके बाद जनाब इसको हम आटे को गूंदना शुरू कर देंगे, मुक्की जिसको हम कहते हैं, मुक्की चलाना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसमें हमने अपने बुजुर्गों को देखा, वो दोनों हाथों की मुक्कियों से आटा गूंदा करती थी, तो काफ़ी एग्जॉस्टिव होता है। तो मुनासिब ये डिपेंड अप टू यू, लेकिन टिप यही है कि आप एक हाथ से गूंदें तो आपको कम थकन महसूस होगी, कम थकावट होगी, तो इंटायरली अप टू यू, ठीक है। आटा गूंदते जाएंगे इस तरह इसको, और नीचे का जो बॉटम है वो हम ऊपर लेकर आएंगे, फिर उसको गूंदना शुरू करेंगे। तो इस तरह हम इसको फ्लिप करते चले जाएंगे, ठीक है। देखें, मैं बॉटम को ऊपर लेकर आ रहे, ऊपर आ गया। अब इसको फिर दोबारा से हम मुक्कियाँ मारना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये ऊपर ले आए, अब इसको हम दोबारा से गूंदना शुरू कर देंगे। इसका भी अपना एक लुत्फ है आटा गूंदने का, और ये आर्ट है, इतना आसान नहीं है जितना नज़र आता है। इट टेक्स प्रैक्टिस, ठीक है। शुरू में आटा आपसे पतला भी होगा, बहुत ज़्यादा सख्त भी हो जाएगा, तो घबराना नहीं है, इट टेक्स टाइम। तो प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे, पहले थोड़े से आटे पर प्रैक्टिस कर लें, फिर थोड़ा और आटा ले लें उस पर प्रैक्टिस करें, तो यू विल बी फाइन। ये लीजिए जनाब, हम इसको आटे को गूंदते चले जा रहे हैं।
बस एक दफा आटा गूंद के अगर आप फ्रिज में रख लें तो ये कई दिन तक आपके काम आएगा, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। लीजिए जनाब, हम गूंदते चले जा रहे हैं, बस इसको 1 मिनट और हमने गूंदा और ये लीजिए हमारा आटा हो गया तैयार। अब इसको हम इस तरह किसी बाउल में प्लास्टिक के रख लेंगे और आखिर में ठीक ये है कि अपना हाथ गीला करके इसको ऊपर से इस तरह हम मॉइस्ट कर देंगे। ठीक है, ये लीजिए जनाब, हमारा आटा हो गया तैयार। आटा गूंदने का तरीका आपको पता चल गया, कीजिए इसको प्रैक्टिस, इसको लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई ये रेसिपी, और अपने बाबा को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।